उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हुए इस क्षेत्र के वृहद जनमानस के व्यापक और सांगठनिक आंदोलन के प्रतिफल से सन 1973 में स्थापित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने अपने स्थापना काल से अब तक विकास के विभिन्न सोपान स्पर्श किए हैं। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और हिमालय पुत्र के नाम से प्रख्यात राजनेता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय ने शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ क्षेत्रीय विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उच्च आयाम स्थापित किए हैं। स्थापना के समय उत्तर प्रदेश के अधीन रहे और वर्तमान में उत्तराखंड में अवस्थित इस महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र को वर्ष 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने का गौरव प्राप्त हुआ और स्थापना काल से अब तक दर्जनों कुलपतियों का नेतृत्व प्राप्त कर चुके इस विश्वविद्यालय की विकास यात्रा उल्लेखनीय और उपलब्धियों से पूर्ण रही है। विश्वविद्यालय की उपलब्धियों में समय समय पर सेवा देने वाले शिक्षकों व कर्मियों के साथ साथ विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु जन आंदोलन करने वाले उन सभी महान भावों एवं वैश्विक समाज के अलग अलग क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर इस विश्वविद्यालय को गौरवान्वित कर रहे शिक्षार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 15,000 छात्र छात्राओं, 250 से अधिक प्राध्यापकों, 600 से अधिक शिक्षणेतर कर्मियों के परिश्रम का ही परिणाम है कि आज यह विश्वविद्यालय राज्य ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हो पाया है। विराट हिमालय के सामीप्य में सामाजिक शोध एवं शैक्षिक उन्नयन की दिशा में अग्रसर इस शैक्षणिक संस्थान की योजनाओं एवं पाठ्यक्रमों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुलभ हो सके, इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनेकों पाठ्यक्रम एवं योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पद्मश्री प्रोफेसर आदित्य नारायण पुरोहित द्वारा लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर HAPPRC के अंतर्गत स्थापित अल्पाइन शोध केंद्र तुंगनाथ के तत्वावधान में लगभग 7 जिलों के 183 गांवों में ग्रामीणों को औषधीय एवं सघंत पादपों का वृहद स्तर पर कृषिकरण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार हिमालय क्षेत्र के आधुनिक समाज के साथ साथ पुरातन ज्ञान को आम जनमानस तक सुगम करने के दृष्टिकोण से इतिहास एवं पुरातत्व के अंतर्गत हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1980 में की गई। पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर KP नौटियाल के अथक प्रयासों से इस संस्थान की स्थापना की जा सकी। श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कीर्ति चक्र श्री अजीत डोभाल जी के प्रयासों से गढ़वाल विश्वविद्यालय के समन्वय में हिमालयी राज्यों के विश्वविद्यालय का संघ के तत्वावधान में भारतीय हिमालयी क्षेत्र के विस्तारपूर्ण अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी के मार्गदर्शन में तैयार किए गए प्रस्ताव पर नीति आयोग भारत सरकार की संस्तुति के दृष्टिगत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 11 राज्यों के 14 विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से युक्त इस संघ की स्थापना से भारतीय हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में महिला कामगारों की आर्थिकी, कृषि उत्पादों का विपणन, पर्यावरण अनुकूलन, पर्यटन, जल संरक्षण तथा पलायन के नियंत्रण हेतु आजीविका जैसी समस्याओं की दिशा में नियोजन के साथ तेजी से कार्य किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का यदि इतिहास देखें तो विगत 13 वर्षों के अंतराल के बाद ऐसी निरंतरता पहली बार देखने में आई है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद 2018 से कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी के नेतृत्व में यह लगातार तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त गढ़वाल विश्वविद्यालय का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी अपनी निजी उपलब्धियों में एक है। शारीरिक दक्षता के विकास के लिए तथा खेल की समस्त कौशल विधाओं और इससे जुड़ी प्रतिभाओं ने इस सुविधा का लाभ लेकर राज्य और राष्ट्र में अपना लोहा मनवाया है। विद्यालय द्वारा उमंग, सैर सलीका, समाधान, चित्रा आदि अनेकों महत्वपूर्ण व अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालय ने अपनी सृजनात्मकता व व्यावहारिकता के साथ साथ
तकनीकी सामंजस्य से समाज को नवीन दिशा दिखाने व इन समस्याओं के निराकरण हेतु उन्हें जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। To promote SwayamMOOC and all digital learning initiatives, so its website swayamhnvgu.in. Two SwayamMOOCs are being hosted by the University Academic Writing and Industrial Pharmacy. More than 69 hours of video lectures have been contributed to Swayam Prabha and the awareness workshop. SwayamMOOCs are being adopted for credit transfer and NPTEL local chapter has been established in the university. गंगा की स्वच्छता के दृष्टिगत तथा उसकी सहायक नदियों की साफ सफाई के उद्देश्य से वर्ष 2009 से गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा स्पर्श गंगा अभियान निरंतर रूप से संचालित किया जा रहा है। मनोविज्ञान विभाग द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता तथा मानसिक दृढ़ता के उपाय तथा वोकल फॉर लोकल के तहत गृह विज्ञान विभाग द्वारा मास्क वितरण की पहल भी उल्लेखनीय है। छात्र छात्राओं की ऑनलाइन कक्षाएं हो, सेमिनार, संगोष्ठी या कार्यशाला हो, नवीन शैक्षणिक सत्र में प्रवेश का विषय हो या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण गतिविधि हो, हर मोर्चे पर विश्वविद्यालय ने अपने उत्तरदायित्व को पूर्णता व गंभीरता के साथ निभाया है। इस प्रकार 11 संकाय के अधीन 51 विभागों के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों में रत यह विश्वविद्यालय शिक्षा की सेवा के लिए समर्पित है और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की यह विकास यात्रा भौगोलिक रूप से दूरस्थ व्यक्ति तक संसाधनों की सुगमता, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में सुधार एवं वृहद जनमानस की समस्याओं के निवारण तक नए नए शोध व कार्यक्रमों के नियोजन के लिए सतत प्रयत्नशील बनाए रखते हुए सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय समरसता तथा अखंडता के संदेश के संप्रेषण का उत्तरदायित्वपूर्ण होने तक अबाध रूप से यूं ही चलती रहेगी। डॉक्टर रोहिता श्वस्थाना की पंक्तियां जो इस अवसर पर बहुत सार्थक और प्रासंगिक जान पड़ती हैं कि स्वप्न निर्मित मत हवाई घर बनो, हो सके तो नींव का पत्थर बनो, जो दिशा निर्देश सदियों तक करे, राजपथ पर मील का पत्थर बनो, जो बढ़ा दे चाल हर एक पांव की, एकता का वह अनोखा स्वर बनो, जो तिमिर के पंथ को दीपित करे, ज्योतिरथ आरूढ़ वह दिनकर बनो, ज्योतिरथ आरूढ़ वह दिनकर बनो।